Hello student, you are welcome in our channel. Now I am going to teach you third lesson of Flamingo class 12th English, and that is deep water. Okay, let's start about the author. William Douglas is the author of this lesson, and William Douglas was born in 1898 in Maine, Minnesota, and he died in 1980. After graduating with a Bachelor of Art in English and Economics, he spent 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा. इन्होंने अपना जो ग्रेजुएशन किया है वो आर्ट साइड से किया है, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स इनके सब्जेक्ट थे. उसके बाद इन्होंने 2 साल तक याकिमा के हाई स्कूल में पढ़ा है. हाई ओवर ही गॉट टायर्ड टू दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू लीगल करियर. उसके बाद वो जब इससे ऊब गए, बोर हो गए, तो उन्होंने फैसला किया एक कि वो अपना करियर बनाए कानून के क्षेत्र में. ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट येल एंड बिकेम एन एडवाइजर एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट. वो रूजवेल्ट से मिले, प्रेसिडेंट रूजवेल्ट से मिले और उनके कानूनी सलाहकार बन गए, दोस्त बन गए. फिर इसमें आगे कहता है डगलस वॉज अ लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स. डगलस कहता है लीडिंग अग्रणी एडवोकेट होता है वकील, इंडिविजुअल राइट निजी अधिकार, निजी अधिकारों के क्षेत्र में भी वो एक अग्रणी वकील की उन्होंने भूमिका निभाई. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the long serving justice in the history of the court. कहते हैं कोर्ट के इतिहास में 36 सालों की सेवा करने के बाद 1975 में उन्होंने रिटायरमेंट लिया. The following excerpt is taken from Of Man and Mountains by William O. Douglas. कहते हैं ये जो हम अवतरण पढ़ने वाले हैं ये विलियम डगलस द्वारा जो लिखा गया है Man and Mountains वहाँ से लिया गया है. It reveals How as a young boy, William Douglas nearly drowned in a swimming pool. इसमें ये खुलासा होता है कि William Douglas ने किस प्रकार से एक समय ऐसा था जब वो स्विमिंग पूल में लगभग डूब गए थे. In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcame it. कहता है इसमें वो बताते हैं किस प्रकार से उन्होंने अपने जो उनको डर था पानी से उसको दूर किया. Notice how the autobiographical part of this section is used to support his discussion of fear. कहते अपनी जीवनी की जो अपनी जीवनी है उसको और उसमें जो डर है उसको डिस्कस करने के लिए वो किस प्रकार डिस्कस करते हैं उसको हम इसको देखते हैं. तो कह रहा है बच्चों यहाँ से लेसन स्टार्ट होता है. कह रहा है इट हैड डिसाइडेड व्हेन आई वाज 10 और 11 ईयर ओल्ड आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम. देयर वाज अ पूल एट द YMCA इन याकिमा डेट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी. कहता है तब की बात है जब मैं 10-11 साल का था तो कहता है मैंने फैसला किया, मैंने निर्णय लिया. डिसाइड होता है निर्णय लिया मैंने कि मैं क्या करूँगा, तैरने की कोशिश करूँगा, तैरना सीखूँगा. जब मैंने कोशिश की, ये मैंने प्रयास किया, ये मैंने निर्णय लिया, तो कहता है देयर वॉज अ पूल, एक पूल था YMCA नामक स्थान पे जो कि याकिमा में पड़ता है और याकिमा बच्चों USA में पड़ता है. और कहता है हाँ मुझे ये अपॉर्चुनिटी अवसर मिला दी. याकिमा रिवर वॉज ट्रेचेरियस. कहता है याकिमा एक नदी का नाम है भी है बच्चों, तो वो जो नदी थी वो काफ़ी भयानक थी. मदर कंटिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर. कहता मेरी माँ मुझे लगातार वार्न करती रहती थी कि उस नदी में नहीं जाना है और मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी, उन सब बातों को मुझे रोज़ बताती थी जो घटनाएँ उस नदी में डूबने के कारण होती थी. फिर कह रहा है बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था ये सेफ था. इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट दी सेलो एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर. ये जो पूल था तो बच्चों ये ऐसा था, ऊपर से देखिए किनारे पे कुछ कम और दूसरी तरफ पे ज़्यादा. तो एक तरफ तो ये, इस तरफ ये 2 से 3 feet था और इस तरफ ये 9 feet था. अच्छा ठीक, द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, जो गहराई थी वो धीरे धीरे बढ़ती थी इसकी, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे करते करते 9 feet तक. आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स एंड वेंट टू द पूल. मुझे ये कहता है कि वाटर विंग्स का एक जोड़ी दिया गया और मैं पूल में चला गया. आई हेटेड टू वॉक. नेक्ड इन टू इट. कहता है मुझे नफरत थी कि मैं पानी में बिना कपड़ों के जाऊं एंड सो माई स्किनी लेग और अपनी पतली पतली टांगे, नंगी टांगे सबको दिखाऊं. मुझे इस बात से बहुत नफरत थी. बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट. लेकिन तैरने जाना था, ये सब करने पड़ना था, तो मैंने ऐसा ही किया. फ्रॉम द बिगिनिंग हाउ एवर आई हैड एन एवर्सन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट. कहता है मुझे शुरू से ही पानी से घृणा थी. एवर्सन होता है बच्चों घृणा.
कहता मुझे पानी से पहले से ही घृणा थी, और कहता है कब से, बचपन से ही, जब मैं पानी में जाऊँ मुझे पानी से घृणा होती थी। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर ओल्ड, कहता ये जो घृणा है तब से शुरू हुई जब मैं 3 या 4 साल का था। कैसे घृणा हुई, फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के तट पर ले गए, जो वहाँ पे समुद्र का किनारा है उस बीच पर ले गए। कहता है ही एंड आई स्टू टुगेदर इन द सर्फ, पिताजी और मैं लहरों में वहाँ पे खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनके हाथ पकड़ के झूल रहा था, उनमें झूल रहा था, येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, फिर भी जो वो लहरें हैं, कहता है मुझे उन्होंने नीचे गिराया और मेरे ऊपर से बहते हुए निकल गई। आई वॉज ब्यूरीड इन वाटर, मैं पानी में डूब चुका था। माई ब्रीद वॉज गॉन, मेरी सांसें जा चुकी थी। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंस रहे थे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, के लेकिन कहता है मेरे हृदय में तो डर बैठ गया था, किनके प्रति, वो जो ताकतवर लहरें थी। फिर क्या है आगे, माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्रीजेंट मेमरी एंड स्ट्रीट चाइल्ड स्फीयर, कहता है जब मैं इस पूल में गया जहाँ मैंने एक ट्रेनिंग करनी शुरू की है, कहाँ YMCA पूल में, तो मैं वहाँ पे गया, रिवाइव होता, पुनर्जीवित हो जाना, अनप्रीजेंट दुखद मेमरीज मतलब यादें, स्ट्रीट मतलब झकझोर कर रख देना, चाइल्ड स्फीयर बचपन की ये डर। तो कहता है जब मैं उस पूल में गया तो मेरे जो बचपन की डर थी, वो जो दुखद यादें थी, वो फिर से ताज़ा हो गई। बट इन अ लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, थोड़ी देर में मुझे विश्वास आया, आत्मविश्वास आया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, एप होता नकल करना। कहता मैंने दूसरे बच्चों को देखा देखी करके सीखने की कोशिश की, तैरने की कोशिश की। आई डिड दिस 2 और 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिन में मैंने 2-3 बार यही उन बच्चों को देखते हुए नकल करते हुए उनकी तैरने की कोशिश की। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, कहता है मुझे पानी में थोड़ा सुकून महसूस होने ही लगा था कि तभी एक दुखद घटना घट गई, मिस एडवेंचर हो गया। क्या है वो मिस एडवेंचर, देखते हैं। तो कहता है इसमें आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वाज देयर, मैं उस पूल पे तब गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वाज क्वाइट, स्थान शांत था, वाटर वाज स्टिल, पानी भी ठहरा हुआ था, एंड द टाइल्ड बॉटम वाज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथ टब, कहता है जो उस स्विमिंग पूल का बॉटम था उस पर जो टाइलें लगी हुई थी बिल्कुल सफ़ेद और साफ दिख रही थी, बाथ टब की तरह। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, कहता मैं पानी में अंदर अकेले जाने में डर रहा था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर, इसलिए मैं दूसरों के इंतजार में पूल के किनारे पे ही बैठ गया। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, प्रोबेबली 18 ईयर ओल्ड, ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, ही हेल्ड हाई स्किनी, हाउड लाइंग, हाउड यू लाइक टू बी डक, कहते मुझे ज़्यादा समय नहीं बता, तभी एक बड़ा सा ब्रूजर हट्टा कट्टा मुस्टंडा लड़का आया, लगभग 18 की उम्र का रहा होगा। उसकी छाती पे थिक हेयर थे, घने बाल थे, बहुत उसकी शारीरिक अच्छी बनावट थी, शारीरिक बनावट बहुत अच्छी थी, उसके पैर भुजा बिल्कुल उभरे हुए, उसकी रिपलिंग मसल उभरी हुई मसल डोले सोले उसके थे। ही एल्ड, वो चिल्लाया कि हाई स्किनी, और शुक्रू किस प्रकार से डक, मतलब तो डुबकी लगाना, तो कैसी डुबकी लगाना पसंद करेगा। फिर कहता है विद डैट, इतना कहता है ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे ऊपर उठाया एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, मुझे जो गहरा वाला छोर था वहाँ फेंक दिया। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, कहता मैं जिस प्रकार बैठा हुआ था मैं उसी पोजिशन में नीचे जाते गया। स्वेलोड वाटर, मैंने काफ़ी पानी निगल लिया था। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं एक बार बॉटम तक जा चुका था। आई वाज फ्राइटेंड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन ये डर अभी मेरी समझ पे हावी नहीं थे, मैं सोच समझ सकता था मुझे क्या करना है। ऑन द वे डाउन आई प्लैंड व्हेन माई फीट हिट द बॉटम आई वुड मेक अ बिग जंप, कहता जब मैं नीचे जा रहा था तो रास्ते में मैंने एक प्लान बनाया कि जैसे ही मेरे पैर तलहटी को छुएंगे मैं एक जोरदार उछाल लूंगा, कम टू द सरफेस, सरफेस पे आ जाऊंगा, लाई फ्लैट ऑन इट, और उस पर लेट जाऊंगा बिल्कुल चपटा होके, एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और छपछपाते हुए किनारे तक आ जाऊंगा। फिर कहता है इसमें इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, कह रहा है जो रास्ता था वो बहुत लंबा लगा मुझे, 2-9 फीट वर मोर लाइक 90, डूबते हुए आदमी को 9 फीट पे 90 के लगे।
एंड देयर फोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट। इससे पहले कि मैं बॉटम को छूता उस स्विमिंग पूल के, मेरे जो फेफड़े लंग्स थे वो क्या हो गए, फटने को तैयार हो गए। बट वैन माई फीट हिट बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ एंड मीड वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड। लेकिन मैंने जैसा सोचा था मैंने वैसा ही किया, अपनी पूरी ताकत लगाई और एक छलांग ऊपर की ओर लगाई। आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क। मैंने इस कल्पना की थी कि मैं एक छाल की तरह ऊपर आ जाऊंगा सतह पे। इंस्टीट आई केम अप स्लोली, लेकिन इसके बजाय मैं तो बहुत धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आईज एंड सॉ नथिंग, मैंने अपनी आँखें खोली लेकिन कुछ देखा नहीं। बट वाटर, सिवाय पानी के, वाटर डेट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, ऐसा पानी जिसमें कि पीलापन था। आई ग्रीव पैनिक, मैं बिल्कुल कैसा हो गया, डर गया। आई रीच अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप एंड माई हैंड्स क्लच्ड ओनली वाटर। मैंने जब कुछ पकड़ने की कोशिश की, भाई कोई तो रस्सी फेंक दे मुझे बाहर निकालने के लिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, मेरे हाथों में सिवाय पानी आया। क्लच होता पकड़ना। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैं चिल्ला रहा था मदद के लिए लेकिन मेरी गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर बट नॉट माई माउथ, तभी मेरी आँखें नाक पानी से बाहर आया लेकिन मेरा मुँह अभी भी पानी में था। फिर कहता है आई फ्लोटेड एट द सर्फेस ऑफ द वाटर, मैं पानी की सतह पर छपछपा रहा था। ऐसे लॉर्ड एंड चोक, पानी मैंने निगल लिया था और मेरा जो दम था वो घुटने लगा था, सांसें रुकने लगी थी। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने कोशिश की कि मैं अपने पैरों को ऊपर ला सकूं, बट दे हंग एज डेड वीड्स, लेकिन वो बिल्कुल लटक रहे थे जैसे कि उनमें कोई जान ना हो। पैरालाइज्ड एंड रिजिड, अपंगता महसूस कर रहे थे, रिजिड होता है कठोरता महसूस कर रहे थे। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर वाटर, मुझे पानी के अंदर कोई ताकत खींच रही थी। आई स्क्रीम्ड, मैं चिल्लाया, बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन मुझे सिर्फ पानी ही सुन सकता था, कोई आसपास था ही नहीं। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल, इसी दौरान मेरी फिर से एक बार यात्रा नीचे के लिए शुरू हो गई, मैं फिर से पानी के अंदर जाने लगा। आई स्ट्रक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन, कहता है जब मैं नीचे जा रहा था मैं पानी पे प्रहार कर रहा था, छपछपा रहा था, अपने हाथ पैरों को चला रहा था। एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन ऑफ इन एज वन इन नाइटमेयर फाइट्स एन इरेसिस्टेबल फोर्स, जैसे कभी कभी सपने में ऐसा लगता है कि हम किसी चीज़ से लड़ रहे हों, ऐसी मुझे भी लड़ रहा था, पानी से मैं लड़ रहा था। कहता है आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रीथ, मेरी सांसें लगभग जा चुकी थी। माई लंग्स है, मेरे जो लंग्स हैं उनमें दर्द होने लगा था। माई हैड थ्रोब्ड, मेरा सिर चकरा रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे भी चक्कर आ रहे थे। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी, लेकिन मुझे वो रणनीति याद थी कि मैंने क्या करना है। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल एंड कम लाइक कॉक टू द सर्फेस, की जैसे मैं तलहटी पर जाऊँगा मैं उछाल मारूंगा और सर्फेस पर आ जाऊँगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, इस प्रकार मैं पानी के ऊपर लेट जाऊँगा। स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, कहता है अपने हाथों को चलाऊँगा, पैरों को चलाऊँगा। थ्रेस विद माई लेग्स, दैन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, इस प्रकार से मैं उस पूल के किनारे पर आ जाऊँगा और सुरक्षित बाहर निकल जाऊँगा। ओके आगे कह रहा है कि आई वेंट डाउन, मैं नीचे जाता गया एंडलेसली, अंतहीन उसको लग रहा है वो जो 9 फीट है कि न जाने कितना गहरा है। आई ओपन्ड माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, जब नीचे जा रहा था कहता है मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया पीला पानी के सिवा। डार्क वाटर डैट वन कुड नॉट सी थ्रू, ऐसा पानी जिसमें कोई आर पार नहीं देख सकता। एंड देन शीर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, उसके बाद कहता है एक तीव्र कठोर डर उसने मुझे जकड़ लिया। सीज होता है जकड़ लेना। टेरर डेट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसा डर जिसकी मुझे कोई समझ नहीं थी। टेरर डेट नोज नो कंट्रोल, जिस पर मेरा कोई नियंत्रण नहीं था। टेरर डेट नो वन कैन अंडरस्टैंड, एक ऐसा डर जिसकी मुझे कोई समझ नहीं थी। और एक ऐसा डर, कहता है हु हैज नॉट एक्सपीरियंसड इट, जिसने महसूस न किया हो इसको समझ भी नहीं सकता। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के नीचे डूब रहा था, कांप रहा था। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर अपंगता महसूस कर रहा था। स्टिफ रिजिड विद फियर, कहता है मैं बिल्कुल दृढ़ हो गया था, कठोर हो गया था, मेरे हाथ पैर काम नहीं कर रहे थे डर के कारण। इवन द स्क्रीम्स इन माई थ्रोट और फ्रोजन, यहाँ तक कि जो आवाज़ें हैं, चीखें हैं, स्क्रीम्स हैं, वो भी मेरे गले में ही जम गई थी। ओनली माई हार्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, कहता है मेरा हृदय में जो धड़कन है, मेरे सिर में जो धड़कन है, उसके हिसाब से सर दर्द होना और जो सर में दर्द हो रहा था, हृदय चल रहा था, उसके कारण मुझे लग रहा था मैं जीवित हूँ।
एंड देन इन द मिडेस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन, कहता है ये जो डर था इसी के दौरान दिमाग में कोई तर्क आया इसको, तो तर्क सूझा इसको, कुछ उपाय सूझा, तो क्या याद आया उसको कि आई मस्ट रिमेंबर टू जंप व्हेन आई हिट टू द बॉटम, क्योंकि मुझे ये बात तो याद ही रखनी है कि जैसे ही मैं बॉटम पे जाऊंगा मुझे क्या करना है, ऊपर के लिए जंप करना है। एट लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी, अंत में मैंने क्या महसूस किया कि मेरे पैरों के नीचे टाइल्स हैं। माई टूज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब टू देम, और कहता है मेरे जो पंजे हैं वो मानो कुछ टाइल को पकड़ने के लिए जा रहे हो। आई जंप विद एवरीथिंग आई हैड, मैंने ऊपर के लिए जितनी मुझमें ताकत थी मैंने उतनी ताकत से ऊपर के लिए जंप किया। बट द जंप मेड नो डिफरेंस, लेकिन कहता है मेरी जंप से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। द वाटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी मेरे चारों ओर था। आई लुक्ड फॉर रोप्स, मैंने रस्सियों के लिए देखा, लैडर्स, कोई सीढ़ी फेंक दी, वाटर विंग्स फेंक दी, नथिंग बट वाटर, लेकिन कुछ नहीं था मेरे चारों ओर सिवाय पानी के। मास ऑफ फिलो वाटर हेल्ड मी, मुझे पानी ने, काफ़ी पानी मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए था। स्टार्क टेरर टुक एन इवर डीपर होल्ड ऑन मी, कहता है जो डर था उसने मुझ पर पहले से भी ज़्यादा मजबूत पकड़ बना ली थी। लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कहता है विद्युत का जो आवेश है उसकी तरह। आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं हिल रहा था, कांप रहा था विद फ्राइट, डर के कारण। माई आर्म्स वुड नॉट मूव, मेरे हाथ क्या नहीं कर रहे थे, गति नहीं कर रहे थे। माई लेग्स वुड नॉट मूव, मेरे पैर गति नहीं कर रहे थे। आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने कोशिश की मदद के लिए पुकारने की, कॉल फॉर मदर, अपनी माता रानी को बुलाने की, अपनी माँ को बुलाने की कोशिश की। नथिंग हैपन्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, मेरी आवाज़ तक बाहर नहीं निकली। एंड देन उसके बाद स्ट्रेंजली देयर वॉज लाइट, कहता है कि अचानक से मुझे कुछ लाइट दिखाई दी। आई वॉज कमिंग आउट ऑफ द ऑफुल येलो वाटर, मैं उस डरावने पानी से बाहर आ रहा था। एट लीस्ट माई आइज वर, कम से कम मेरी आंखें बाहर थी। माई नोज वॉज ऑलमोस्ट टू, मेरी नाक भी लगभग बाहर आ चुकी थी। देन आई स्टार्टेड डाउन अ थर्ड टाइम, फिर से नीचे तीसरी बार जाने लगा। आई सक्ड फॉर एयर, कहता है मैंने सांस लेने की कोशिश की, एंड गॉट वाटर, मुंह में पानी चला गया। द येलोइश लाइट वॉज गोइंग आउट, और उसके बाद जो पीली पीली लाइट अभी तक इसको दिख रही थी वो भी धुंधली पड़ गई। देन ऑल एफर्ट सीज्ड, कहता है उसके बाद मेरे सभी प्रयास रुक गए। आई रिलैक्स, मैं शांत हो गया। इवन माई लेग्स फेल्ट लिम्प, यहाँ तक कि जो मेरे पैर थे वो भी बिल्कुल अपंगता महसूस कर रहे थे। एंड ब्लैकनेस स्वेप्ट ओवर माई ब्रेन, कहता है एक अंधकार मेरे दिमाग में छा गया था। इट वाइट वाइप्ड आउट फियर, इट वाइप्ड आउट टेरर, देयर वॉज नो मोर पैनिक, कहता है मेरा डर दूर हो चुका था, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा था। इट वॉज क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल शांत माहौल हो गया था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, अब मैं किस चीज़ से डर नहीं रहा था। दिस इज नाइस, मुझे अच्छा सा लग रहा था। टू बी ड्रोजी ही टू गो टू स्लीप, कहता है मुझे बिल्कुल नींद आ रही थी, मैं सोने वाला था। अब नो नीड टू जंप, किसी जंप की आवश्यकता नहीं थी। टू टायर टू जंप, मैं जंप करते करते भी थक गया था। इट्स नाइस टू बी कैरीड जेंटली, मैं बिल्कुल शांत होकर रहना चाहता था। टू फ्लोट अलोंग इन स्पेस, जहाँ पे मैं हूँ वहीं पे मैं तैरना चाहता था। टेंडर आर्म्स अराउंड मी, टेंडर आर्म्स लाइक माई मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि पानी मुझे, जिस प्रकार मेरी माँ मुझे अपनी बाहों में पकड़ती है, इस पानी ने मुझे अपनी बाहों में रखा है और कह रहा है सो जाओ। फिर कहता है आई क्रॉस दी ओब्लिवियन, कहता है एंड द कर्टेन ऑफ लाइफ फिल्म, कहता है ओब्लिवियन होता है विस्मृति, कहता है मैं विस्मृति में चला गया था, मुझे उसके बाद कुछ याद नहीं है, मुझे लगा जीवन का पर्दा गिर चुका है, मैं मर जाऊंगा। द नेक्स्ट आई रिमेम्बर आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक बिसाइड द पूल, जो मुझे याद है उसके बाद ऐसा लगा मुझे कि मैं अपने पेट के बल लेटा हुआ हूँ पूल पे, वॉमिटिंग, उल्टियाँ कर रहा हूँ। द चैप डेट थ्रू मी इन वसेंग, वो लड़का चैप होता है छोकरा लड़का, जिसने कि मुझे अंदर फेंका था, वो कह रहा था बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड द किड नियरली डाइड, किसी ने कहा कि बच्चा तो लगभग मर ही गया था। बी ऑल राइट नाउ, लेट्स कैरी हिम टू द लॉकर रूम, तभी किसी ने कहा कि इसको लॉकर रूम में ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सेवरल आवर लेटर, कई घंटे बाद आई वॉकड होम, मैं घर आया। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बिल्कुल कमजोरी महसूस कर रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था, कांप रहा था। आई सूक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन द बेड, मैं हिल रहा था, मैं रो रहा था जब मैं बेड पे गया। आई कुड नॉट ईट एट नाइट, उस रात में खाना भी नहीं खा सका। फॉर डेज अ हॉन्टिंग फियर वॉज इन माई हार्ट, कई दिनों तक मेरे हृदय में डर बना रहा, हॉन्टिंग बार बार आने वाला। दिस लाइटेस्ट एक्सर्सन अपसेट में, कहते हैं एक्सर्सन प्रयास, स्लाइटेस्ट हल्का सा, मैं हल्का सा भी कोई प्रयास करूँ वो मुझे बिल्कुल परेशान कर दी। मेकिंग मी वॉबली इन द नीज, कह मेरे घुटने लड़खड़ाने लगे। एंड सिक टू माई स्टमक, और मेरे पैर मेरे पेट में क्या हो जाए, दर्द हो जाए, बीमारी हो जाए। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल्स, के बाद में कभी पूल पे नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मुझे पानी से डर लगने लगा था। आई अवॉइडेड इट वेन एवर आई कूड, और मैंने अवॉइड ही किया, पानी से दूर रहना ही मैंने भलाई समझी, जहां तक मैं कर सकता था दूर रह सकता था।
अ फ्यू ईयर्स लेटर, कहता है कई सालों बाद, व्हेन आई केम टू नो, जब मुझे समझ में आया, जब मेरी इच्छाएं जानने की भी, वाटर ऑफ कैस्केड, झरनों के बारे में जब मैंने जाना, आई वॉन्टेड टू गेट इन टू दैम, और मैंने ये फैसला किया कि मैं इनमें जाऊँगा, मेरी इच्छा ये थी कि झरनों में ही जाया जाए, पानी में। एंड वेन एवर आई डिड, वेदर आई वॉज वेडिंग द टाइटन और बम्पिंग रिवर और बाथिंग इन वार्म लेक्स ऑफ द गोट रॉक्स, कहता है जब जब मैंने क्या किया, उफनती नदी में, टाइटन नदी में, गोट रॉक्स की गर्म झीलों में जाने की कोशिश की नहाने के लिए, तो कह रहा है द टेरर डेट हैड सीज्ड मी इन द पूल वुड कम बैक, वही डर वापस आ जाता, इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, कहता उसने मुझ पर पूरा अधिकार बना लिया था, माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज, मेरे पैर हैं वो बिल्कुल अपंगता महसूस करते थे, आई सी हॉरर वुड ग्रैब माई हार्ट, कहता है जो बिल्कुल हृदय को जमा देने वाला डर, सीज कर देने वाला डर क्या हो गया था मुझ में, मुझे अपनी पकड़ में ले चुका था। दिस हैंडी कैप स्टेड विद मी एज ईयर्स रोल्ड बाय, कहता है समय बीतता गया लेकिन ये जो डर था ये हमेशा मेरे साथ बना रहा है। इन कैनोज ऑन द मेन लेक फिशिंग फॉर लैंड लॉक सैलमन, कहता है जब मैं कैनो संकरी नाव में सैलमन मछली को पकड़ने गया ये डर वहाँ भी बना रहा। बास फिशिंग इन न्यू हेम्पशायर में जब मैं बास मछली, ट्राउट फिशिंग ऑन द डेस्यूट, डेस्यूट नामक स्थान पर ट्राउट मछली, मेटोलेस इन ओरिजन, ओरिगन में जब मैं मेटोलेस मछली पकड़ने गया, फिशिंग फॉर सैलमन ऑन द कोलंबिया, कोलंबिया में मछली पकड़ने गया, एट बम्पिंग लेक इन कास्केड, कहता है झरनों में, जो उफनने में, उफनती हुई झीलों में, जहाँ भी मैं गया, द हॉन्टिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, कहता है वो डरा देने वाला डर मेरे पीछे ही रहा, इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, मेरी जो फिशिंग ट्रिप्स थी वो सारी बर्बाद हो गई उस डर के कारण, डिप्राइव्ड मी ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, बोटिंग एंड स्विमिंग, कहता है जो मैंने नाव चलानी थी, स्विमिंग करना था, उसके बाद मुझे जो आनंद जॉय मिलना था उस सबसे मैं वंचित रह गया उस डर के कारण। फिर क्या कहता है, आई यूज एवरी वे आई न्यू टू ओवरकम दिस फियर, मैंने वो हर तरीका आजमाया जो मैं जानता था इस डर से निकलने के लिए, बट इट हेल्ड मी फिर्मली इन इट्स ग्रिप, लेकिन उसने मजबूती से मुझे अपनी पकड़ में रखा हुआ था। फाइनली 1 अक्टूबर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, अंततः 1 अक्टूबर को मैंने फैसला किया कि मैं एक इंस्ट्रक्टर लाऊंगा और मैं सीखूंगा। आई वेंट टू अ पूल एंड प्रैक्टिस 5 डेज अ वीक, मैं पूल पे फिर से जाने लगा, 1 सप्ताह में 5 दिन, एन आवर ईच डे, 1 घंटे प्रतिदिन। द इंस्ट्रक्टर पुट अ बेल्ट अराउंड मी, अ रोप अटैच टू द बेल्ट वेंट थ्रू अ पुली डेट रैन ऑन एन ओवर हेड केबल, ठीक है जो इंस्ट्रक्टर था कहता उसने मेरी मुझ पर एक बेल्ट बांध दी और वो जो बेल्ट थी उससे एक रस्सी अटैच कर दी और वो रस्सी एक पुली से होते हुए उसके हाथ तक जाती है, जैसे कुआँ होता है एक तरफ बाल्टी बंधी होती है एक तरफ आपके हाथ पे होता है, तो जहाँ आपके हाथ होता है उसी तरह इंस्ट्रक्टर ने अपने हाथ पे पकड़ा हुआ है, दूसरा इस पे लगा हुआ रस्सी। फिर क्या कहता है, ही हेल्ड ऑन दी एंड ऑफ द रोप, वो रस्सी के एक छोर को पकड़ के रखता था, एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, मैं पानी में हम दोनों कोशिश करते आगे और पीछे जाने की, बैक एंड फोर्थ अक्रॉस द पूल आवर आफ्टर आवर, डे आफ्टर डे, वीक आफ्टर वीक, कहता हर घंटे, हर दिन, हर सप्ताह हम ये सब करने लगे, ऑन ईच ट्रिप अक्रॉस द पूल अ बिट ऑफ द पैनिक सीज्ड मी, कहता है कि हर बार जब मैं पूल में जाता था तो थोड़ा सा डर मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेता था। Each time the instructor released his hold on the rope and I went under, some of the old terror returned and my leg froze. कहता है क्या होता था कि इंस्ट्रक्टर ने धीरे धीरे मुझे क्या कहा, रिलैक्स होने को कहा, और वो अपनी पकड़ भी ढीली करता था, किस पे से, रस्सी पे से। एंड आई वेंट अंडर वाटर, कहता है मैं पानी के नीचे जाता था, सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न, जो पुराना डर था वो लौट कर आता था थोड़ा सा, माई लेग फ्रोज, मेरे पैर काम करना बंद कर देते थे। इट वॉज 3 मंथ बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, 3 महीने लग गए स्लैक, मतलब था कम होना, धीरे होना, 3 महीनों में थोड़ी थोड़ी वो जो टेंशन थी, डर था, वो कम होने लगा। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर वाटर एंड एक्सहेल, उसके बाद उसने मुझे सिखाया किस प्रकार से पानी के नीचे अपना सिर रखना है, पानी के अंदर रखना है अपना सिर, और सांस छोड़नी है, एंड टू रीज माई नोज टू इनहेल, और सांस लेने के लिए नाक ऊपर उठानी है पानी से बाहर। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज 100s of times, और कहता है मैंने रिपीट की जो एक्सरसाइज ने बताई सैकड़ों बार। बिट बाई बिट आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक डेट सीज्ड मी व्हेन माई हेड
हेड वेंट अंडर वाटर, फैट कम करना। कहता है उस डर को भी मैंने कम कर दिया था जो मुझे पानी के अंदर सिर डालने पे उत्पन्न होता था। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल एंड हेड मी किक विद माई लेग्स फॉर वीक्स आई डिड जस्ट डेट। फिर उसने मुझे क्या कहा, पैर कैसे चलाने हैं पानी में, मैंने कई सप्ताह तक यही सब किया। कहता है एट फर्स्ट माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, शुरू में तो पैरों ने काम करने से मना कर दिया, बट दे ग्रेजुअली रिलैक्स, धीरे धीरे पैर भी इतनी शांत होने लगे एंड फाइनली आई कुड कमांड थे, और अब मेरे नियंत्रण में मेरे पैर थे, मैं जैसे चाहता था वैसे चला सकता था। दस पीस बाय पीस, इस प्रकार धीरे धीरे करके ही बिल्ट अ स्विमर, उसने एक स्विमर बना दिया था मुझे। ये कहता है कि मैं अब तैर सकता था। एंड व्हेन ही हैड परफेक्टेड ईच पीस, जब उसने मुझे हर कला सिखा दी थी, ही पुट देम टुगेदर इनटू एन इंटीग्रेटेड होल, अब उसने सब एक साथ करने को कहा। इन अप्रैल ही सेड, अब अप्रैल में उसने कहा कि नाउ यू कैन स्विम, डाइव ऑफ एंड स्विम द लेंथ ऑफ द पूल क्रॉल स्टॉक। कहता है कि भाई अब तुम तैर सकते हो, गोते लगा सकते हो, जाओ इस पूल पे। आई डिड, मैंने ऐसा ही किया। द इंस्ट्रक्टर वॉज फिनिश्ड, अब इंस्ट्रक्टर का काम समाप्त हो चुका था, बट आई वॉज नॉट फिनिश्ड, लेकिन मेरा अभी काम पूरा नहीं हुआ था। आई स्टिल वॉन्डर्ड इफ आई वुड बी टेरर स्ट्राइकन वैन आई वॉज अलोन इन द पूल। कहता है मैं इस बात से आश्चर्यचकित था कि मैं आजमाना चाहता था कि जब मैं पूल पर अकेला रहता हूँ क्या ये डर वापस आता है या नहीं। आई ट्राइड इट, मैंने कोशिश की। आई स्वैम द लेंथ अप एंड डाउन, कहता है मैंने उस पूल पे एक किनार से दूसरे किनार तक मैं तैरा। टीमी वेस्टेजेस ऑफ द ओल्ड टेरर वुड रिटर्न, मैंने सोचा था कि जो डर है टीमी वेस्टेजेस के हल्के से निशान हल्के से चिन्ह लौट कर आएंगे और लौट कर आए, बट नाउ आई कुड फ्रॉन एंड सी टू डेट टेरर, लेकिन अब मैं उस डर को ही कह सकता था। ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डरा रहे हो, वेल हियर टू यू, तो तुम भी देखो, लुक देखो, एंड आई वुड गो फॉर अनदर लेंथ ऑफ द पूल, मैं फिर से तैरने के लिए जा रहा हूँ, तुम देखते जाओ। दिस वेंट ऑन अनटिल जुलाई, ये सब जुलाई तक चलता रहा, बट आई वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड, लेकिन मैं अभी भी संतुष्ट नहीं था। आई वॉज नॉट श्योर डैट ऑल द टेरर हैड लेफ्ट, मुझे इस बात का भी विश्वास नहीं था कि पूरा डर जा चुका है। सो आई वेंट टू द लीक वेंट फॉर्थ इन न्यू हेम्सपायर, इसलिए मैं न्यू हेम्सपायर नामक स्थान की जो वेंट फॉर्थ नामक झील है वहाँ गया। डाइव ऑफ अ डॉक एट ट्रिक्स आइसलैंड, कहता है मैंने गोते लगाए जो ट्रिक्स आइसलैंड द्वीप है वहाँ भी, जो जलाशय होगा वहाँ भी इसने गोते लगाए। एंड स्वैम 2 miles अक्रॉस द लेक टू स्टैम्प एक्ट आइसलैंड, कहता है 2 मील तैरा मैं उस द्वीप में। फिर कहता है आगे आई स्वैम द क्रॉल ब्रेस्ट स्ट्रोक साइड स्ट्रोक एंड बैक स्ट्रोक, कहता है छाती के बल तिरछा होके पीठ के बल मैं तैरता रहा। ओनली वंस डिड द टेरर रिटर्न, सिर्फ एक बार वो डर वापस आया। When I was in the middle of the lake, जब मैं झील के बीच में था, I put my face under and saw nothing but bottomless water, मैं अपना सिर पानी के अंदर डाला, मुझे कुछ नहीं दिखाई दिया सिवाय पानी की। The old sensation returned in miniature, कहते जो पुराना सा डर था हल्का सा वापस आया। I laughed and said, मैं हंसा और मैंने कहा, Well, Mr. Terror, what do you think you can do to me? तो मैंने कहा भाई डर महाराज तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। It fled and I swam on, तो डर भाग गया और मैं तैरने लगा। फिर क्या कह रहा है, येट आई हैड रेसिड्यूअल डाउट्स, कभी मुझे कुछ शंकाएँ बाकी थी। एट माई फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आई हरीड वेस्ट, कहता जब मुझे पहला अवसर मिला इस डर को परखने का तो मैं पश्चिम की ओर गया। वेंट अप द टाइटन टू कॉनराड मीडूज, कहता है मैं टाइटन से कॉनराड चारागृह तक गया। अप द कॉनराड क्रीक, कहता है कॉनराड क्रीक से जो चोटी है वहाँ से मीडो ग्लेशियर तक गया। एंड कैम्प्ड इन द हाई मीडो बाय द साइड ऑफ वार्म लेक, वार्म लेक के किनारे पे जो चारागृह है ऊँची चारागृह वहाँ पे मैं रुका। द नेक्स्ट मॉर्निंग आई स्ट्रिप डाइव इन टू द लेक एंड स्विम अक्रॉस टू द शोर एंड बैक, अगले दिन मैंने लेक में गोता लगाया, मैं तैरा एक छोर से दूसरे छोर तक, जस्ट एज डॉग कॉर्पोरन यूज टू डू, जैसे डॉग कॉर्पोरन यूज किया करता था, तैरा करता था वैसे। आई शाउटेड विद जॉय, मैं चिल्लाया खुशी से। एंड गिल्बर्ट पीक रिटर्न द इको आई हैड कन्क्वायर्ड माई फियर ऑफ वाटर, गिल्बर्ट चोटी से मेरी आवाज़ लौट कर आई और अब मैं अपनी डर पे विजय प्राप्त कर चुका था। The experience had a deep meaning for me, ये जो अनुभव था इसका मेरे लिए गहरा अर्थ था। इज ओनली दोज हु हैव नोन स्टार्क टेरर एंड कन्क्वर्ड इट कैन अप्रिशिएट, अप्रिशिएट सराहना करना, प्रशंसा करना। कहता है मेरे इस डर से बाहर निकलने पर मेरी प्रशंसा वही करेंगे जो कभी ऐसे डर में पड़े हों और उसके बाद उन्होंने उस डर पर विजय प्राप्त की हो। इन डे दियर इज ए पीस, दियर इज टेरर इन एनी, दियर इज टेरर ओनली इन फियर ऑफ डेथ,
रूजवेल्ट न्यू व्हेन ही सेड ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ। हम सबको अपने आप से ही डर है, कहता है मौत का डर बना हुआ है, हम इसी चीज़ से घबराए हुए रहते हैं। फिर कहता है आगे, बिकॉज आई हैड एक्सपीरियंस्ड बोथ द सेंसेशन ऑफ डाइंग एंड द टेरर फियर ऑफ इट कैन प्रोड्यूस। कहता है मैंने मृत्यु को अपने समीप देखा था, उसके कारण उत्पन्न डर को देखा था, जीने की इच्छा मेरी बढ़ गई थी। दी विल टू लिव समहाउ ग्रू इंटेंसिटी। अब कहता है एट लास्ट आई फेल्ट रिलीज, अंत में मैंने सुकून महसूस किया। फ्री टू वॉक दी ट्रेल्स एंड क्लाइम दी पीक्स एंड टू ब्रश एसाइड फियर। अब मैं चोटियों पर चढ़ सकता था, मैं तैर सकता था और अब मैं अपने डर को दूर कर चुका था। तो ये है और ये हो गया डन। अब मिलते हैं नेक्स्ट में इस प्रकार से।